या तो करते नहीं है या प्रॉपरली नहीं करते, या तो फॉलो करते नहीं है या वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। फॉलो बोलते किसको है, समझिए पहले इस बात को। फॉलो इसको बोला जाता है कि जब आपने किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाया तो अगले 24 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर, 16 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जब वो सेमिनार देख रहा होता है तब तो उस सेमिनार का ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो सेमिनार देख के बाहर निकलता है तो उसका दिमाग चालू हो जाता है, उसकी खोपड़ी काम करना चालू कर देती है। क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है जानते हैं आप? मैं बताता हूं। हर आदमी को यह पता होता है कि वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी आदमी को यह कभी नहीं पता होता कि वो क्या क्या कर सकता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसका खोपड़ी चालू हो जाता है, ये ना हुआ तो, वो ना हुआ तो, वैसे तो, वैसे तो, ये तो मैं पूछना ही भूल गया, अब ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब वो आप अगर उससे नहीं मिलेंगे तो वो किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठेगा जिसको इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब तो किसी व्यक्ति को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, वो अपने पड़ोस में अंकल जी से मिल सकता है जिसको लाइफ का बेहतरीन तजुर्बा होगा, अपने बिजनेस का जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा, तो उसको लगेगा यार इस आदमी से मैं पूछ लेता हूं क्योंकि ये अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, तो मैं पूछता हूं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या। अब एक डॉक्टर एक वकील से पूछ रहा है तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर को डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में पता हो सकता है, लॉयर को लॉयर के प्रोफेशन के बारे में पता हो सकता है। अब वो उससे पूछ बैठा नेटवर्किंग, अब उसको नेटवर्किंग के बारे में जितनी नॉलेज होगी वो उतनी देगा, और नेटवर्किंग के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती अगर उसको तो वो कर रहा होता। अब उससे पूछ बैठा तो उसने उसको ऐसा चांटा मारा कि वो खत्म। तो फॉलोअप इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाइए तो ये पूरा कोशिश करिए कि आप उससे 24 घंटे के अंदर अंदर फिजिकली तौर पे जरूर मिलिए। टेलीफोन पे मत पूछिएगा यार कि कल तुझे बिजनेस बताया था, बता कैसे करना है। टेलीफोन पे कभी मत पूछिए, फिजिकल पूछिए, साथ बैठ के पूछिए, और अपने हाथ के अंदर अपने टूल्स अपने प्रूफ ले जाके उसके पास रखिए, फिर उससे डिस्कस करिए कि कल तूने सेमिनार देखा था, तुझे बता कुछ पूछना है, तुझे कुछ समझना है, कोई चीज जो तुझे कल ना समझ में आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ। फॉलोअप में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और फॉलोअप कभी भी बता के मत करिए, पूछ के मत जाइए कि आऊं तुझसे मिलने। फॉलोअप का मतलब सिंपल सा है कि सुबह 7 बजे आप उसके पास चले गए, आपको पता है सुबह 7 बजे वो कहां मिलेगा? घर पे मिलेगा। आपको पता है कोई भागने वाला तो नहीं, और 7 बजे चले जाओगे तो भगा देगा क्या? बैठ जाना है जाके, सिंपल सा बैठो उसके पास, उससे पूछो यार कल बिजनेस डिस्कस किया था, अब बता कैसे करना है शुरू, अब इसको कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बढ़िया तरीके से करें। क्योंकि अगर आप 24 घंटे में उससे ना मिले तो चांसेस बहुत कम है कि वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा, क्योंकि यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती है ना। आज जो देखा है वो कल याद नहीं रहेगा, परसों और याद नहीं रहेगा, 4 दिन बाद और याद नहीं रहेगा, 6 दिन बाद तो वो भूल ही जाएगा कि वो कोई बिजनेस देख रहा है। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी आपको लगता है कि जुड़ना होगा तो आ जाएगा ना यार अपने आप, क्या मैंने तो दिखा दिया है, अब वो अपने आप कर लेगा। अपने आप इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, काम करना पड़ता है तो होता है अपने आप। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि सेल तब तक कन्वर्ट नहीं होगी जब तक वो आपको पैसे नहीं देगा, और पैसे तब तक नहीं देगा जब तक उसके मन में कोई ना कोई डाउट रहेगा। तो फॉलोअप में उसके डाउट क्लियर करिए, अगर उसके डाउट क्लियर होने के बाद में नहीं कर रहा तो बात अलग है, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करिए कि उसके मन में जो भी डाउट है उसको वो क्लियर करिए। इस कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है, सीनियर्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, वो सारे आप सॉल्व करिए, अच्छे से समझाइए उसको एक एक चीज। अगर उसको समझ में आता है तो वो करेगा, नहीं समझ में आता है तो नहीं करेगा। लेकिन आप पूरा कोशिश करिए कि आप अगले दिन विद इन 24 आवर्स उससे फिजिकली जरूर मिले। नो टेलीफोन, टेलीफोन इस बिजनेस का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी आदत है, हम लोग कंजूस टाइप लोग होते हैं ना, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं तो कंजूस टाइप लोग हैं, कौन जाएगा 10 किलोमीटर फोन पे पूछ रहे हाँ भाई कल क्या हुआ था, वो तुम्हारा भी बाप है, कल बताऊंगा खत्म। और अगले दिन वो एक ही चीज बताता है, यार तुम मुझे फोन मत करियो। देखो आप उस साथ तजुर्बे कर रहे, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आप खुद ही बोल रहे हैं, तो मेरे मन की बात आप ही ने बोल दी,
अब वो उसकी गलती नहीं है, उसको कोई ना कोई कलाकार मिल गया है। तो मेरी आपसे सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि फॉलोअप करने में कोई कोताही ना बरतें, और फॉलोअप इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। आपने लिस्ट बना दी बहुत बढ़िया सी, आपने इन्विटेशन कर दिया बहुत बढ़िया से, लेकिन अगर क्लोज ही नहीं किया तो वो दोनों चीजें आपको बात समझ में आ रहा है। और मैं इसके बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, कि अपने इस 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है सेल्स के अंदर, शॉर्ट साइटेडनेस के साथ धंधा मत करिए, शॉर्ट विजन के साथ इस बिजनेस में बताइए, इस बिजनेस को कम से कम 2 साल का समझ के आइए। कोई भी आदमी इस बिजनेस में आज करोड़पति बनने के लिए मत आइए, क्योंकि ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ना आज हुआ है ना कल होगा ना कभी जिंदगी में हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शॉर्ट साइटेडनेस ये होती है कि आप स्टेज पर किसी को देखते हैं, वो बोलता है मैंने 5 करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने 3 करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने 2 करोड़ कमा लिए, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है जी, और आप रात रात में सारा सपने देख डालते हैं, BMW के, मर्सिडीज के, मकान के, हॉलीडेज के, फैमिली के, सब जबरदस्त सपने देख लेते हैं, और अगले दिन मार्केट में जाते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, और 2 माह में आपको झपट, हमें सब पता है। तो हवा जो गुब्बारे में भरी होती है वो तत्काल, वो इसलिए निकलती है क्योंकि आपका सपना जो है आपको लगता है जो 25-30 साल में नहीं हुआ वो आज ही हो जाए बस, ये प्रॉब्लम है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, शॉर्ट विजन के साथ बिजनेस मत करिए, इस बिजनेस को कम से कम 2 साल दीजिए। ग्रेजुएट होने के लिए कितने साल चाहिए होते हैं सर, आप मुझे बताइए कितने साल चाहिए होते हैं? 3 साल। आप गलत बोल रहे हैं, ग्रेजुएट होने के लिए 20 साल चाहिए होते हैं। इट टेक 20 ईयर्स टू बिकम अ ग्रेजुएट, 20 साल चाहिए होते हैं, और खाली ग्रेजुएट होकर भी कुछ नहीं होता आज की डेट में, उसके बाद भी उसको 3 साल 4 साल 5 साल कुछ और करना है, MBBS करना है, CA करना है, CS करना है, ICWA करना है, कोई और MTech करना है, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स जरूरी है आज के लिए, यानी वो 20 साल जमा में 5 साल = 25 साल, और 25 साल के बाद वो सोचता है कि मैं 50,000 कमाऊं या 1,00,000 रुपए कमाऊं, ऐसे ही है। yes, यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां वो 25 घंटे के बाद सोच रहा होता है कि मैं कैसे 1,00,000 रुपए कमाऊं, क्या ये ठीक है यार, क्या ये ठीक बात है? नो सर, सोच बदलना पड़ेगा। जल्दबाजी में मत आइए इस बिजनेस को, जल्दबाजी में मत करिए, ये टेस्ट मैच है, ये 20-20 क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ प्योरली अ टेस्ट मैच। 5 साल का विजन लीजिए, 2 साल का विजन लीजिए, 3 साल का विजन लीजिए, तब इस बिजनेस को करेंगे तो आपको ये बेहतरीन रिजल्ट्स देगा, जल्दबाजी मत करिए। और होता क्या है, आपने 5 लोगों को बताया, 5 में से 4 ने मना कर दिया, 1 ने फोन नहीं उठाया, तो यहाँ पर कहानी। कौन से देश में रहते हैं मुझे बताइए जरा, भारत में कितना करोड़ की आबादी बोली तो 125 करोड़ की हो चुकी है, जब तक हम खत्म करेंगे अपना सेशन जो कितने समझदार लोग मेरे सेशन में बैठते हैं, मुझे हमेशा खुशी होती है। अब 125 करोड़ की आबादी है, 5, 7, 10 मना करते हैं, आपके सिर पे क्या असर पड़ता है पहले तो मुझे बताइए, कोई फर्क पड़ता है सर आपको? नहीं सर, लेकिन फर्क तो पड़ जाता है ना 5 लोगों के मना करने के बाद, फिर ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसीलिए होता है कि शॉर्ट साइटेडनेस के साथ बिजनेस में आते हैं, पर्पस क्लियर नहीं होता तो मामला। मैं तो हमेशा से एक एग्जांपल बोलता हूं, हम तो बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह है जिसने हाथ में बैग उठा रखा है, एक हाथ में बोरा है, एक हाथ में रस्सी, रस्सी के नीचे लकड़ी लगी है, उसके नीचे चुंबक लगी है, और वो सड़क पर चल रही है, चुंबक रगड़ते हुए सड़क पे, लोहा चिपक जाएगा थोड़ी देर में, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद वो उठाती है, लोहा उठाती है, झोले में फेंक देती है और फिर चलने लग जाती है। उसको पता है लोहा चिपक जाएगा, धूल मिट्टी चिपकेगी नहीं, उसको चाहिए भी नहीं, उसको क्या करनी है? आपका यही काम है यार, आपके पास 100, 200, 300 लोगों की लिस्ट है, आप वो चिंबक उस 300 लोगों में से गुजार दीजिए, जो लोहा होगा वो चिपक जाएगा, धूल मिट्टी चिपकेगी नहीं, आपको करनी भी क्या यार, तो उसका मोस्ट वेलकम, जो ना आए छोड़ दीजिए, क्योंकि हर काम हर आदमी कभी भी नहीं करता। लिमिट नेगेटिव मत होइएगा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को बनने में बहुत समय लगता है, अगर आप इमारत बड़ी बनाना चाहते हैं तो टाइम आपको लेना पड़ेगा। आज
ज्वाइन करके कल रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, एक महीने बाद क्या होगा इसकी उम्मीद मत करिए, आज ज्वाइन करके दो साल का कोर्स है ऐसा मान करके बिजनेस करिए। 2014 में आज हम खड़े हैं तो 2016 एंड तक इस बिजनेस को करिए और 2016 एंड में सोचिए कि मेरे लिए है कि नहीं। कम से कम दो साल तो दो ना यार, 50,000 की नौकरी के लिए आप 25 साल देते हो ना यार, कि नहीं देते? देते कि नहीं? 25 साल बच्चों को पढ़ाते कि नहीं? 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक पढ़ाई करते हैं तब जाके 1,00,000 रुपए की नौकरी लगती है। कभी कभी तो रिश्वत भी देनी पड़ती है। यहाँ 4 दिन बाद कब आएगी BMW? ये सोच ठीक नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस के साथ बिजनेस मत करिए, एक लॉन्ग बिजनेस के साथ करिए। आपका विजन होना चाहिए कि मैं 2 साल कम से कम इस बिजनेस को दूंगा, 2 घंटा 3 घंटा पार्ट टाइम भी अगर करना है तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा एग्जैक्टली दूंगा। स्प्रेड टाइम में मत करिए कि जब दिल करा तब कर लिया। अगर आप इस बिजनेस को इस तरीके से करेंगे जैसा मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये बिजनेस 2 साल के बाद आपको एक ऐसी इनकम दे रहा होगा कि आपका जो मिडिल क्लास फैमिली का लाइफस्टाइल है, जो हम सब लोगों का लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा सा और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे ही बेहतर होगा, वो एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। जब बीज बोया जाता है तो एक दिन में पेड़ नहीं होता। अब आप बैठे हो बीज के ये गलत है ना सोच? इट्स अ रॉन्ग थॉट, ये गलत सोच है। आप उसको जब बीज को बोएंगे तो आपको सींचना भी पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, टाइम पे खाद भी, सब कुछ लगेगा टाइम के नहीं लगेगा सर, मुझे बताइए। प्रकृति कहती है कि अगर आपको फल खाने हैं तो समय लगाना पड़ेगा। एक दिन में मत सोचिए सब कुछ हो जाएगा। गिव एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल कम से कम इस बिजनेस को दीजिए। और जो आदमी 1 महीना 2 महीने के लिए आता है उसको बोलो यार 2 साल लगेंगे यार, कम से कम 2 साल तो दो ना यार, उसके बाद सोचेंगे हमारे लिए है कि नहीं। गॉट माय पॉइंट? तो मेरा 9 साल का बड़ा सिंपल सा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस बिजनेस को 2 साल के लिए कम से कम आते हैं और फॉलो प्रॉपर करते हैं तो बिजनेस आपको अच्छे रिटर्न्स देगा आफ्टर 2 ईयर्स। जल्दी मत सोचिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। खूब सारे पैसे कमाइए, आपका लाइफ बहुत बेहतर हो और ईश्वर करे कि आप बहुत बहुत लोगों की लाइफ चेंज करने वाले लोग बने। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।